इंडिया के अंदर अगर आप 50,000 40,000 के बीच में कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो यार ये जो सेगमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा सेल होता है इंडिया के अंदर। बेसिकली देखो बहुत सारे लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक इंटेल का 11 जनरेशन बताओ, राइजन के 5 सीरीज बताओ, 7 सीरीज बताओ, बहुत सारे लैपटॉप मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं बहुत सारे मामलों में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रिफ्रेश लैपटॉप लेके आया हूँ, दिखाने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे लैपटॉप्स जो कि आपको इंटेल के 12 जनरेशन के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे। उन लैपटॉप्स के अंदर आपको 12 कोर 16 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे एंड राइजन के भी आपको 12 कोर और 16 थ्रेड्स वाले लैपटॉप आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। वो कौन से लेटेस्ट लैपटॉप्स है जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आज की इस वीडियो में एक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और ऐसे ही लेटेस्ट लैपटॉप और पीसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, देन जो बेल बटन है उसको दबा के रखो। कुछ गलतियां हम लोग सबसे पहले करते हैं। देखो कुछ लैपटॉप्स ऐसे आते हैं 50,000 60,000 के बीच में आपको 2 TB का हार्ड ड्राइव दे देता है, सो वो चीज आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और जो विंडोज 10 वाले लैपटॉप्स अभी आ रहे हैं ना वो लैपटॉप आपको स्किप करना पड़ेगा, लेटेस्ट लेना है विंडोज 11 पे आपको जाना पड़ेगा। विंडोज 10 वाला लैपटॉप लोगे तो विंडोज 11 में जाने का जो झंझट है, बहुत सारे लोग अपना जो डाटा है उसको लॉस्ट करके बैठते हैं, सो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, SSD वाला ही लैपटॉप लेना है, बेशक वो NVMe SSD या फिर नॉर्मल SSD हो। अब देखो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो जो कि पूरा 50,000 रुपया तक एफोर्ड नहीं कर पाते हो, बट फिर भी आपको चाहिए इंटेल का 12 जनरेशन। आपको बस इसमें जो पैसा देना है ना 45,990 रुपया देना है, आपको पूरा 50,000 देना भी नहीं है, और आपको मिल जाएगा इंटेल का लेटेस्ट कोर i3 1215U, लेटेस्ट 12 जनरेशन वाला ये प्रोसेसर है। इसके अंदर इंटेल का i3 6E ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6 कोर और 8 थ्रेड दिया गया है, 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड इसके अंदर मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, आप अगर कोई i5 के साथ तुलना करते हो 11 जनरेशन वाले, उससे फार फार बेटर ये परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, बहुत ही तगड़ा है। और इसके अंदर आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, या फिर दूसरे कोई काम करना चाहते हो ऑनलाइन बेसिस पे, आराम से आपके डेली लाइफ में ये लैपटॉप निकाल के देगा। इस लैपटॉप को लेने का सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है इसका वारंटी पीरियड। जी हां, Lenovo यहां पे आपको दे रहा है 2 साल का वारंटी इस वाले लैपटॉप के अंदर। आप 50,000 रुपया तक भी नहीं दे रहे हो, आपको 46,000 रुपया तक देना पड़ रहा है और आपको मिल रहा है 2 साल का वारंटी इंटेल का 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर। और क्या चाहिए इस लैपटॉप के अंदर, आपको 8GB का रैम मिलेगा, 3200 MHz वाला, एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा स्लॉट के अंदर भी लगा सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट एक दिया गया है, और 3200 MHz का रैम है। यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी आपको रैम के अंदर मिलता है। इस लैपटॉप के अंदर जो 8GB का रैम पहले से लगा हुआ आता है वो ऑनबोर्ड रैम है। ऑनबोर्ड रैम का मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, जो लैपटॉप ऑनबोर्ड रैम के साथ आते हैं कंपनी पहले से ही उसको सोल्डरिंग करके देते हैं, और एक्स्ट्रा स्लॉट जो दिया गया है उसके अंदर आप एक्सटर्नली रैम को लगा सकते हो, बट उस रैम को आप उखाड़ नहीं पाओगे। सो ये जो ऑनबोर्ड वाले रैम होते हैं ये 40-50% फास्टर होते हैं एज कंपेयर एज एक्सटर्नल रैम्स। सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज में 512 GB के NVMe M.2 SSD दिया गया है, ये एक्सपांडेबल है, NVMe SSD को आप एक्सपांड कर सकते हो, फ्यूचर में आपको जरूरत पर आप एक्सपांड कर पाओगे। इसमें आपको लेटेस्ट वाईफाई 6 देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, विंडोज 11 देखने को मिलेगा, MS Office 2021 भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 5-6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। 46,000 रुपया का लैपटॉप है, इंटेल 12 जनरेशन के साथ आपको रैपिड फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दे रहा है। 0-50% ये लैपटॉप इजीली चार्ज हो जाएगा बहुत ही फास्ट। 15.6 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एंटी ग्लेयर और 250 nits का ब्राइटनेस यहाँ पे मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस लैपटॉप के अंदर आपको फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है विद नमपैड, एंड साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इस वाले लैपटॉप में मिल जाता है। सो देखा जाए, अगर बजट के अंदर रहते हो, एक तगड़ा लैपटॉप अगर आप ढूंढ रहे हो, 50,000 रुपया नहीं दे सकते हो, डेफिनेटली इस लैपटॉप को आप चेकआउट करना। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके भी आप इसके बारे में जान सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, आप लोग बोलोगे मेरे को इंटेल का 12 जनरेशन नहीं है, हमें 11 जनरेशन होगा तब भी चल जाएगा, बट हमें बड़ा डिस्प्ले चाहिए और हमें वीडियो एडिटिंग करना है। तो आपके लिए ये लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, बिकॉज इससे बड़ा डिस्प्ले आपको और कोई सेगमेंट में नहीं मिलेगा इस प्राइस के अंदर। ASUS की तरफ से आता है वीवो बुक 17 सीरीज के अंदर ये लैपटॉप 49,990 रुपया में देखने को मिल जाएगा। 17.3 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन दिया गया है, 250 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस, और ASUS का जो कलर क्वालिटी है वो भी डिस्प्ले में बहुत अच्छे आते हैं। 250 nits का ब्राइटनेस है, एंटी ग्लेयर है और बेजिललेस डिस्प्ले है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी इस लैपटॉप में आपको इंटेल का 11 जनरेशन वाला i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 4.2 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, 4 कोर 8 थ्रेड, इंटेल का i3 6E ग्राफिक्स प्रोवाइड किया गया है, विच वॉज क्वाइट गुड थिंग। यहाँ पे आपको 16GB का रैम मिलता है, जो कि 8GB का रैम है वो 3200 MHz का रैम है, और 8GB का एक्स्ट्रा 3200 MHz का, मतलब दो 8GB का रैम मिलता है हायर फ्रीक्वेंसी वाला। इसमें
से जो 1 8 GB है वो आपको ऑनबोर्ड देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने ऑनबोर्ड के बारे में बताया, इसमें भी ऑनबोर्ड मिलता है। और अगर फ्यूचर में जाके आपको लगा कि यार रैम को अपग्रेड करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो आपको रैम मिलता है 8 GB ऑनबोर्ड के साथ, और 1 8 GB हटा के आप रैम को एक्सपांड कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको 512 GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाता है। इस SSD को एक्सपांड तो आप कर ही पाओगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2.5 इंच का एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है, जिसके अंदर आप लोग SATA SSD या फिर SATA हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। इस लैपटॉप में मिलता है आपको विंडोज 11 MS Office 2021 देखने को मिल जाएगा, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, 7 to 8 hours तक का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ फुल साइज कीबोर्ड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको बिगर डिस्प्ले दिया गया है, इस लैपटॉप में भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। ध्यान रहे दोस्तों, ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि वीडियो एडिटिंग करना चाहता है। मेरे ख्याल से ये लैपटॉप बड़े स्क्रीन के साथ आपको वीडियो एडिटिंग के अंदर कोई भी निराशा नहीं करेगा। और अगर आपको इंटेल का 11th जनरेशन नहीं चाहिए, आप राइजन में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको इंटेल का प्रोसेसर पसंद नहीं है, राइजन में जाना चाहते हो, तो इसका ही प्रो मॉडल आपको Asus VivoBook 17 Pro सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो मॉडल है ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इस मॉडल को आप देख सकते हो, यहाँ पे राइजन 5 5500U देखने को मिल जाता है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, 256 GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाता है, और इस दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको एडिटिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो, 17 इंच के अंदर बड़ा डिस्प्ले चाहिए एडिटिंग के लिए स्पेशली, तो इस लैपटॉप को आप लोग जरूर चेकआउट करना। दोनों ही लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे मेरे को Asus और Lenovo दोनों का ही लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें HP जैसे ब्रांड के साथ जाना है, HP का लैपटॉप आप लेना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर भी ऑप्शंस देखने को मिलता है। नंबर 3 में मैंने जिस लैपटॉप को रखा है वो आता है HP की तरफ से HP 15S। ये 50,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट जनरेशन वाला लैपटॉप है। यहाँ पे इसको न्यू लॉन्च किया गया है, 2022 वाला मॉडल है, और ये 50,000 रुपये अभी इसका जो सेल चल रहा है ना, मतलब अभी Amazon का जो सेल चल रहा है प्राइम डे सेल, उसके अंदर ये 50,000 रुपये में ही मिल रहा है। तो जल्दी से जाके इसको परचेज आप लोग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से ही ऑर्डर दे सकते हो। इस लैपटॉप को लेने की कुछ कुछ खास चीजें हैं, HP जो प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। HP इस लैपटॉप के अंदर दिया है 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, नैरो बेजल्स के साथ आता है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, और HP का जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, लो ब्लू लाइट शील्ड टेक्नोलॉजी है, वो आपको आंखों में कभी भी दिक्कत नहीं कराएगा। इसमें आपको मिलता है 215 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस, इंटेल का i5 11th जनरेशन वाला लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 4.5 GHz तक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड निकाल के देता है, और 4 Core 8 Thread का प्रोसेसर है। 4.5 GHz सोच सकते हो कितना तगड़ा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। और इस लैपटॉप में भी आपको इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है। ध्यान रहे, जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बता रहा हूं, एक भी लैपटॉप में आपको इंटेल का UHD या फिर HD ग्राफिक्स नहीं मिलता, यहां पे सारे लैपटॉप्स के अंदर लेटेस्ट इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स प्रोवाइड किया गया है। इस लैपटॉप में आपको मिलता है 8 GB का रैम, DDR4 3200 MHz वाला, अप टू 16 GB तक एक्सपांड कर सकते हो, 512 GB का NVMe M.2 SSD मिलता है जो कि एक्सपांडेबल है। इस लैपटॉप में भी आपको लेटेस्ट वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, विंडोज 11 मिलता है, MS Office 2019 मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड मिलता है नमपैड के साथ, और यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस लैपटॉप को लेने का और एक खास रीजन है Alexa बिल्टिन का सपोर्ट। ये लैपटॉप Alexa को सपोर्ट करता है, Amazon जो Alexa होता है, मतलब आप वॉइस कमांड देके अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हो, लैपटॉप खुल जा ओपन हो जाएगा ऐसा कुछ लॉक वॉक ओपन कर सकते हो। सो बहुत अच्छा लैपटॉप है, और HP जैसे ब्रांड के साथ अगर जाना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। नंबर 2 में मैंने जिस लैपटॉप को रखा है वो यार रखने का एक ही रीजन है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ परफॉर्मेंस को मैटर करते हो, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस से ही नाता है, दूसरा जो भी हो आपको चल जाएगा, बट परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा चाहिए। इसी वजह से मैंने 2 नंबर पे इसको रखा है। HP Pavilion 14 नाम से आता है, और 49,990 रुपये में देखने को मिल जाएगा। ये लैपटॉप Amazon के अंदर आपको डील में भी मिलता है कभी कभार, 48,000 49,000 में भी मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर 50,000 रुपये में सिर्फ और आपके पास जो परफॉर्मेंस है उसको ही आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, डेफिनेटली इस लैपटॉप को देखना। इसमें आपको Ryzen 5 5625U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5th Gen का प्रोसेसर है, और यहां पे आपको मिलता है 12 Core and 16 Thread। सोच सकते हो इंटेल के 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर के साथ ये पंगा ले सकता है इजीली। यहां पे कोई भी गेम, मतलब Valorant खेलना चाहते हो या फिर GTA 5 खेलना चाहते हो, आराम से मक्खन की तरह चलेगा। साथ ही साथ इस लैपटॉप में आपको AMD का Radeon Vega ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि बहुत
बहुत ही एक तगड़ा ग्राफिक्स है। अगर इंटेल का आई रिस से आप तुलना करते हो उससे फार फार बेटर परफॉर्मेंस ये जो अपना AMD का ग्राफिक्स है वो निकाल के देता है। इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर मिलता है उसके अंदर आपको 4.3 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड भी प्रोवाइड किया गया है, विच वॉज अ क्वाइट गुड थिंग। यहाँ पे 14 इंच का IPS फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाता है, ये भी एंटी ग्लेयर है। 215 nits का ब्राइटनेस इसके अंदर भी मिलता है और HP का डिस्प्ले जैसे कि बताया आपको परफॉर्मेंस डिस्प्ले के अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड इसमें भी 8 GB का रैम मिलता है, 3200 MHz वाला, अप टू 16 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। 512 GB का NVMe M.2 SSD भी मिलता है, विच वॉज एक्सपांडेबल। विंडोज 11 भी मिलता है एंड MS Office 2021 भी इसके अंदर है। लेटेस्ट Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाता है। बैकलीट कीबोर्ड है, ये भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड बिल्ट इन एलेक्सा के साथ भी आता है। तो ओवरऑल सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। परफॉर्मेंस अगर देखो ना, इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बस इस लैपटॉप के साथ अगर आप नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको Ryzen नहीं पसंद है, तो भी यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ ढूंढ के रखा हूँ। ऐसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंटेल के प्रोसेसर को लेके और एक लैपटॉप आता है जो कि एसआर के तरफ से आता है, एसआर एस्पायर 5। आप लोग इस वाले लैपटॉप को जरूर देख सकते हो, i5 11 जेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद है। बस इसका जो प्राइस है वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये 50,990 रुपया के अंदर आपको अमेजोन पे मिलता है। अगर आपको इंटेल में जाना है तो इसको देख सकते हो। आप जो SR वाला मॉडल है उसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको मेटल शील्ड मिलता है ऊपर में और SR का आपको लो ब्लू लाइट शील्ड वगैरह देखने को मिल जाता है एंड कलर कंफर्ट भी है SR का। तो SR में जो जाना चाहते हैं, पर्सनली इंटेल लेना चाहते हैं, उनको मैं प्रेफर करूँगा इस वाले मॉडल पे जाओ, अदरवाइज आप Ryzen 5 इस वाले मॉडल पे भी जा सकते हो। मेरे ख्याल से मैं अगर मेरा पर्सनल बताऊँ तो मेरे को Ryzen वाला ही मॉडल ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा पसंद है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे इन दोनों ही लैपटॉप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 1 में आने वाले लैपटॉप के बारे में। देखो मैंने बहुत सारा ढूंढा बट इससे ज्यादा अच्छा मेरे को और कोई लैपटॉप नहीं दिखा। पहले तो बता दूं इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 54,000 रुपये के अंदर ये आपको देखने को मिलता है ना। आप थोड़ा ज़्यादा प्राइस तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, अगर 50,000 में ढूंढ रहे हो 4,000 रुपया ज़्यादा देखे यार, आपको और भी बेटर और भी ज़्यादा कोर और थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, क्या ये अच्छा नहीं है आपके लिए? ऑब्वियसली अच्छा है। इस लैपटॉप को देख सकते हो, ये भी लिनोवो की तरफ से आता है, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3, और यहाँ पे 53,990 रुपये में देखने को मिलता है, अमेजोन पे इजीली देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप के अंदर इंटेल का i5 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है, यहाँ पे i5 12 35B वाला प्रोसेसर मिलता है, 10 कोर 12 थ्रेड में आता है और यहाँ पे आपको 4.4 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिलता है। यहाँ पर भी वेलोरेंट GTA 5 IGI जो भी गेम आप खेलना चाहते हो मक्खन की तरह चलेगा। आईरिस एक्सी ग्राफिक्स भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इंटेल लवर्स के लिए मेरे ख्याल से ये लैपटॉप टॉप नॉच लैपटॉप होने वाला है, सो चेकआउट राइट नाउ। एंड इस लैपटॉप में भी आपको 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगा, 215 nits का ब्राइटनेस है, 8 GB रैम मिलता है, 3200 MHz रन करता है, जो 3200 MHz का रैम होता है वो बेशक हायर फ्रीक्वेंसी में रन करते हैं और ज्यादा परफॉर्मेंस आपको इस रैम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। रैम को आप अपग्रेड कर पाओगे अप टू 16 GB तक, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्लॉट भी दिया गया है, 512 GB का NVMe M.2 SSD दिया गया है, Wi-Fi 6 है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, विंडोज 11 MS Office 2021 मिलता है, बैटरी मिलता है 6 आवर्स तक का, यहाँ पर भी रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, 0 to 80% 1 आवर के अंदर आप चार्ज कर सकते हो। इस लैपटॉप में 2 इयर्स का वारंटी मिलता है जो कि इस लैपटॉप को लेने का और एक खास बात बन जाता है। अगर आपको 2 इयर्स का वारंटी चाहिए, आपका सेल सर्विस चाहिए अच्छा, तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को देख सकते हो। इसके अलावा भी फुल साइज कीबोर्ड मिलता है नमपैड के साथ, प्राइवेसी शटर इस लैपटॉप में मिलता है, ज़्यादातर जो लैपटॉप्स बताया उनमें प्राइवेसी शटर नहीं है, तो इसके अंदर आपको मिलता है। प्राइवेसी शटर कौन सा चीज़ है, क्या चीज़ है, वो लैपटॉप लेने से पहले बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं। सो इंडियंस के लिए प्राइवेसी शटर तो ज़्यादा ही ज़रूरत होता है कुछ। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो गया, हमें 50,000 में ही चाहिए, तो आपके लिए और एक इसका ही सेम स्पेक्स के साथ एक सीरीज आता है, इंटेल 11 जनरेशन में वो आता है, ये भी लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 सीरीज के अंदर आता है, सेम स्पेक्स मिल जाएगा, बस प्राइस यहाँ पे आपको मिलता है 49,990 रुपया में। इंटेल का 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है 4 कोर 8 थ्रेड में एंड बाकी सब कुछ सेम है। सो इन दोनों को भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से टॉप नॉच जो लैपटॉप्स है, 1 और 2 नंबर के जो लैपटॉप्स बताए उनमें से ज़्यादातर आप देख सकते हो। वीडियो डिटेल्स के लिए ASUS VivoBook 17 Pro मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। Amazon के अंदर सेल चल रहा है, Amazon का लेटेस्ट प्राइम डे सेल चल रहा है, जल्दी से जाके परचेस करो, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है और SBI कार्ड के ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा है। सो चेक राइट नाउ एंड डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप्स की लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट बाय आप लोग कर सकते हो। सो गाइस, आज
का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट लैपटॉप वाली वीडियो में। अगर कुछ कहना चाहते हो कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।